सोलन के ठोडो मैदान में जिला युवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय दिव्यांग बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए 60 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में लड़कों व लड़कियों की विभिन्न आयु वर्ग की दौड़, रस्सी कूद, सॉफ्ट बॉल थ्रो आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संदीप नेगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा विभिन्न वर्गों के विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। जिला युवा एवं खेल विभाग से युवा संयोजक वी आर शर्मा ने कहा कि दिव्यांग बच्चे विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं तथा इनमें प्रतिभा को उजागर करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज से दिव्यांग जनों के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगात्मक सोच रखने की अपील की। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा अक्षम बच्चों के लिए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के दौरान 5 इवेंटों में खेलें कराई गई, जिसमें बोची, दौड़े, रस्सी कूद और ब्रॉड जंप। इसका मेन उद्देश्य जो है अक्षम बच्चों में खेल की भावना को भरना तथा आगे बढ़ने की उनमें भावना भरने के लिए कराया जाता है। और इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो 2 और 3 तारीख को मंडी में कराई जाएगी।